हेलो गाइस, मैं आज बनाने जा रहा हूँ पोर्क मीट, पूरा बॉयल होगा, नो ऑयल नो मसाला। अच्छे से धो लेंगे, धोने के बाद आग पकड़ने के लिए थोड़ा जुगाड़ कर लेंगे। उसके बाद कढ़ाई डाल के 2 पीस हाँ मीट उधर में डाल देंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो ऑयल निकलेगा उसी ऑयल में प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से फ्राई कर लेना है, उसके ऊपर अदरक और लहसुन भी डाल देना है, उसको भी अच्छे से आपको फ्राई करना है। उसके बाद सारा मीट इधर में डाल देंगे, डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। अभी उसके ऊपर पोटैटो डाल देंगे, आलू डाल के अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा पकाएंगे। हल्दी और नमक डाल देंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा पका लेंगे। पकने के बाद थोड़ा वाटर थोड़ा पानी डाल लेंगे। इस पेड़ को बहुत लोगों ने नहीं देखा है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पाए जाने वाला इस पेड़ को लोग पका के खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट है और ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, फलदायक है। इसलिए इस पत्ते को हम इस पोर्क के मीट में पका के खाएंगे, अच्छे से काट लेंगे धो के, फिर उसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा टमाटर ले लेते हैं, टमाटर का सारा छिलका निकाल के बारीक से काट के फिर मीट के ऊपर सब डाल देंगे। अच्छे से काट लिया है, अभी मैं डाल देता हूँ। अभी थोड़ा बेम्बो सच ले लेते हैं, फिर उसको भी डाल देंगे। इतना टेस्टी होगा ना, थोड़ा खट्टी थोड़ा नमकीन थोड़ा झाल भी होगा, बहुत बढ़िया होता है। आप लोग भी एक बार पका के खाइएगा, बहुत 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 अच्छा खुशबू आ रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। देखिए अच्छे से पका लिया है, देखते हैं पक गया क्या। हाँ पूरा पक गया है, ठीक है, हमारा रेसिपी रेडी है खाने के लिए। वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। दोस्तों मेरा सब्सक्राइबर बहुत कमती है, प्लीज सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को। थैंक यू।